स्टूडेंट्स हम आ, जो बात करेंगे इस मेड्यूल में वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैम्पलिंग क्या है सैम्पलिंग एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें हम पापुलेशन से सैम्पल सेलेक्ट करते हैं यानी सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ द सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सेम्पलिंग Random, in random sampling you have the equal chances of selection and in non-random sampling you do not have the equal chances of a selection uh, in the sample from the population so what is a sample sample is the small set of cases a researcher selects from the a large pool and generalizes to the population sample is a subset of the population bhi और पापुलेशन से मल्टीपल सैंपल्स ड्रा किए जा सकते हैं और ये पॉपुलेशन के साइज़ पे होता है कि जितनी बड़ी पापुलेशन होंगी उतने ज़्यादा सैंपल्स ड्रा हो सकते हैं जितनी छोटी पॉपुलेशन होंगी उतने कम सैंपल्स ड्रा हो सकते हैं इसके लिए स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है जो पढ़ाई जाती है जिसके मुताबिक हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है तो उसमें से कितने सैम्पल ड्रा होते हैं ंग में जो एक चीज जो बहुत ज्यादा कंसिडर होती है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग ही सैम्पल का साइज होता है और पॉपुलेशन के साइज की बेस पे ही नंबर ऑफ सैम्पल एस्टिमेट हो सकते हैं पॉपुलेशन से सैम्पल ड्रा करने के लिए एक चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो है साम्पलिंग फ्रेम साम्पलिंग फ्रेम इज अ लिस्ट ऑफ केसेज इन अ पॉपुलेशन और द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दम समाइम वी हैव द लिस्ट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स इन पॉपुलेशन बट टाइम वी डोंट हैव दिस सो इन दैट सिनारी हमें वो बनानी पड़ती है तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम्स जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी है वो आपकी एक सैम्पलिंग फ्रेम का काम कर सकती है टैक्स रिकॉर्ड्स हैं वो आपकी सैम्पलिंग फ्रेम का काम कर सकते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस रिकॉर्ड्स हैं वो सैम्पलिंग का फ्रेम का काम कर सकते हैं इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो उसकी जो ईमेल लिस्ट है वो साम्पलिंग फ्रेम का काम कर सकती है अगर आप कोई स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो उनकी जो अटेंडेंस शीट्स हैं उनको वो एज अ साम्पलिंग फ्रेम का काम कर सकती हैं साम्पलिंग रेशो ये कॉन्सेप्ट ये, ये है कि जब हम पापोलेशन से सैम्पल ड्रा करते हैं तो उसकी रेशो क्या है कि कितने लोग सैम्पल में आए फ्रॉम द पापुलेशन द नंबर ऑफ केसेज इन दाम्पल डिडेड बाई द नंबर ऑफ केसेज इन द पॉपुलेशन और दाम्पलिंग फ्रेम और द पपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन दाम्पलिंग यानी अगर सौ लोग पॉपुलेशन में थे तो आ, दस लोग आपके जो है आए सैम्पल में तो रेशो ये वन बाई टेन बनती है और अगर सौ लोग आपके पॉपुलेशन में थे और बीस सैम्पल में आए तो ये रेशो वन फाइव की बनती है और अगर सौ लोग पॉपुलेशन में थे और पच्चीस लोग आपके सैंपल में आए तो रेशो वन फोर की बनती है साम्पलिंग एलिमेंट द नेम फॉर अ केस और अ सिंगल यूनिट टू बी सैम्पल्ड हम जो रिस्पोंडेंट साम्पल में सेलेक्ट करते हैं हम उनको साम्पलिंग एलिमेंट कहते हैं एक इंडिविजुअल या एक रिस्पोंडेंट को हम जो है उसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं रिसर्च में वो सैम्पलिंग एलिमेंट की है साम्पलिंग एरर व्हेन वी डू द साम्पलिंग देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर इज एक्चुअली हाउ मच अ सैम्पल डिविएट्स फ्रॉम बींग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ डिनोटेड विद ई एंड वी जनरली अज्यूम फाइव परसेंट सेम्पलिंग एर इज आवर सैम्पलिंग यानी कि अगर हमने हंड्रेड लोगों से डाटा कलेक्ट किया है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नाइनटी फाइव परसेंट हमारा डाटा करेक्ट है और फाइव परसेंट जो है उसमें कोई एरर हो सकता है कि अपने जो है गलत लोग सेलेक्ट कर लिए हैं या उनको उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने सही नहीं लगाई तो ये सब कॉन्सेप्ट थे जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड थे जो कि सैम्पलिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले आपका जानना ज़रूरी था